प्राचीन समय की बात है, जब एक आश्रम में गुरुदेव अपने शिष्य को शिक्षा देने के लिए काफी ज्यादा मान्य थे। वह गुरुदेव उन सभी को शिक्षा देकर देश के कल्याण के लिए भेज देते थे। एक दिन शाम के समय अपने तीन शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं। जब वह तीनों शिष्य अपने गुरु के पास आते हैं और गुरुदेव से बोलते हैं कि हे गुरुदेव, क्या हम जान सकते हैं कि आज इस समय हमें भुलाने का कारण क्या है? क्या आज कोई नया पाठ पढ़ाने के लिए बुलाया है? तभी गुरुदेव बताते हैं, हे शिष्यों, आप सभी की शिक्षा आज संपूर्ण हो चुकी है। अब आपका समय आ गया है कि आप अपनी जिंदगी की एक नई पहचान बनाने का और साथ ही आपने जो शिक्षा प्राप्त की है उस शिक्षा को जन कल्याण के लिए लगाना। इतना कहने के बाद उन तीनों शिष्यों को सोने के लिए भेज देते हैं। रात के समय उन तीनों के साथ उनका एक दोस्त भी बैठ जाता है और बोलता है, कल से आप तीनों आश्रम से विदाई ले रहे हैं, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? अब एक ब्राह्मण पंडित शिष्य बोलता है, आपने अभी तक पूरी की शिक्षा प्राप्त नहीं की, इसलिए आप हमारे साथ नहीं आ सकते। उसके बाद उनका दोस्त बोलता है, आपने तो शिक्षा अच्छे से प्राप्त की है, आपके साथ रहूंगा तो मैं बहुत ही जल्दी आपसे शिक्षा ग्रहण कर लूंगा। तुम्हारे पास शिक्षा कम है, इसलिए जब हम आपको लेकर जाएंगे तो हमारी हंसी होगी, इसलिए तुम यहीं रहो। तब वह दोस्त बोलता है कि आप उनको ऐसे बोलना कि यह हमारा नौकर है, अब तो ठीक है, अब तो हमें ले चल सकते हो। अब तीनों ब्राह्मण उस दोस्त को भी अपने साथ लेकर सुबह जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल में चलने के बाद उन तीनों ब्राह्मणों को भूख लगने लगती है। तब एक ब्राह्मण बोलता है, काफी समय हो गया चलते हुए, कुछ खाना खा लेना चाहिए। वे तीनों ब्राह्मण उस पेड़ पर चढ़े फल को तोड़ना चाहते हैं। वह पेड़ ऊंचाई पर होने के कारण वह फल उनके हाथ नहीं लगते। तो उनका दोस्त बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, इससे आप फल खा सकते हो। तब एक पंडित बोलता है, हमसे ज्ञानी नहीं हो जिससे आपके पास विचार है। उसके बाद उनका दोस्त उस पेड़ पर चढ़कर वह फल तोड़कर उन तीनों को खिलाता है। तब वह बोलता है कि मैं आपसे किताबी ज्ञान में कम हूँ, लेकिन किस समय किस ज्ञान का प्रयोग करना है उसका काफी अच्छे से ज्ञान है। उसके बाद वे तीनों आगे चलने लगते हैं। जंगल में काफी समय चलने के बाद उन्हें एक हड्डियों का कंकाल देखने को मिलता है। चारों ओर हड्डियों के कंकाल को देखकर वे चारों चर्चा करने लगते हैं कि यह हड्डियों का कंकाल किसका है। ये हड्डियां अलग अलग फैली हुई हैं। एक ब्राह्मण बोलता है कि यह शेर का कंकाल है, दूसरा बोलता है कि नहीं, ये किसी अन्य जानवर का है, ऐसे इसका पता नहीं लगेगा। इसका पता हम अपनी शिक्षा के माध्यम से ही लगा सकते हैं, और मैं वो शिक्षा जानता हूँ जिसे इन सभी हड्डियों को एकत्रित करके कंकाल में बदल सकता हूँ। इसको साबित करने के लिए वह अपनी शिक्षा का उपयोग करते हैं जो उनके गुरु द्वारा दी गई थी, और वह पंडित बिखरी हुई हड्डियों को अपनी शिक्षा से एक कंकाल के रूप में तैयार कर देता है जो पहले उस जानवर का था। उसके बाद दूसरा पंडित बोलता है कि मेरे पास गुरुदेव के द्वारा दी ऐसी शिक्षा है जिससे मैं उस शिक्षा का उपयोग करके इससे ये पता लगा सकता हूँ कि यह कंकाल किसका है। उसने अपने गुरुदेव की शिक्षा का उपयोग करके उस कंकाल पर मांस और खाल लगा दिए, जिससे पता चल जाता है कि वह कंकाल एक शेर का है। उसके बाद वह उनका दोस्त बोलता है कि हम सभी यहाँ अपनी शिक्षा को खराब कर रहे हैं, हमें अपनी शिक्षा को जन कल्याण के लिए लगाना है जो कि हमारे गुरुदेव ने बताया था। तब एक पंडित बोलता है कि हाँ, ये बात सही है, हम आगे बढ़ते हैं। तब एक पंडित बोलता है, वह बोलता है कि आपने अपनी शिक्षा का उपयोग किया है, मेरे पास एक ऐसी शिक्षा है जो आप सभी के पास नहीं है, यह शिक्षा केवल गुरुदेव मुझे ही दी है। वह बोलता है कि मैं शेर को वापस जीवन दान दे सकता हूँ।
इसके बाद उनका दोस्त बोलता है, यह प्रकृति के विरुद्ध है। हम इस प्रकार अपने शिक्षा नहीं खर्च कर सकते हैं। मैं आपका साथ इसमें नहीं दे सकता। यदि आप इसे जीवित करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से कुछ दूरी पर चले जाता हूँ। तुम डरपोक हो, तुम हमारे साथ नहीं चलोगे। उसके बाद तीसरे पंडित ने अपनी शिक्षा का ज्ञान उपयोग करके उस शेर को जीवन दान दे देता है। उनका दोस्त पीछे पेड़ के ऊपर चला जाता है। जब शेर जीवित होता है और उन तीनों पंडितों को देखता है तो शेर उन तीनों पंडितों को अपना भोजन बना लेता है और वह तीनों पंडित उस शेर का भोजन बन जाते हैं, जिस वजह से उन तीनों मूर्ख पंडितों की मृत्यु हो जाती है और उनका दोस्त बच जाता है। शिक्षा, मनुष्य के पास किताबीय ज्ञान के साथ साथ वास्तविक का ज्ञान का भी होना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।